सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों अगर आप यूज करते हो पेन ड्राइव या फिर किसी भी तरह का स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो वहां पर आपको एक बोरिंग सा ड्राइव का आइकन दिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस ड्राइव के आइकन की जगह पे अपनी फोटो लगा सकते हैं या फिर कोई भी दूसरे तरह का फोटो सेट कर सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कूल ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पेन ड्राइव के आइकन पे अपनी फोटो सेट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का दूसरा फोटो सेट कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। तो है तो एक छोटा सा ट्रिक लेकिन बहुत ही ज्यादा कूल है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप एक टेक गीक से और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आपको डेफिनेटली इस ट्रिक को एक बार यूज करना चाहिए और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस ट्रिक की मदद से बेसिकली आप अपने पेन ड्राइव पे एक फोटो सेट कर सकते हैं, यानी जब भी आप अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे किसी भी कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में तो वहां पर आपको ड्राइव का आइकन दिखाने की जगह पे आपको वहां पर आपका फोटो शो करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलिए आइए सीखते हैं कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है MS। तो आपको इस इमेज का सबसे पहले फाइल फॉर्मेट चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर BMP पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट दिखाई देगा, 24-bit bitmap .bmp का जो एक्सटेंशन है। तो उसके बाद आपको इस इमेज को कुछ भी नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ 1 और उसके बाद इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगा जिसका नाम है 1। उसके बाद हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको एक नोटपैड फाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद इस फाइल को ओपन करके यहाँ पर आपको 2 लाइन का कोड लिखना है, ऑटो रन, और उसके बाद आपको इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ध्यान है जो आप ऑटो रन लिखेंगे वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। उसके बाद आपको एंटर मार के नीचे आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है आइकन और उसके बाद स्पेस छोड़ के आपको इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर आपको इमेज का नाम लिखना है। इमेज का नाम था 1, तो यहाँ पर हमने 1 टाइप करा। उसका डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या था, BMP, तो यहाँ पर हम BMP टाइप करते हैं। आप इसका एक्सटेंशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ पर आपको .bmp का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ये एक्सटेंशन है इसका, तो ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल पे जाके इसे सेव एज पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस फाइल का नाम देना है ऑटो रन, AUTORUN, और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट लिख के INF लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसे सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर ऑटो रन का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों फाइल को आपको अपने पेन ड्राइव पे कॉपी करना है बस। तो चलिए हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं। तो जैसे हमने पेन ड्राइव इंसर्ट करा उसके बाद हम माई कंप्यूटर पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे पेन ड्राइव दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मेरा पेन ड्राइव दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एच ड्राइव है जिसका आइकन अभी नॉर्मल है जो भी सारे ड्राइव का होता है। तो मैंने इसे सिंपली ओपन करा, ओपन करने के बाद मैंने इन दोनों फाइल्स को कॉपी किया, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव को बाहर निकालना है, यानी इस पेन ड्राइव को वापस निकालना है और इसे दोबारा कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है। तो जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे उसके बाद आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव का ड्राइव देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देगा जो भी आपका ड्राइव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसका ड्राइव आइकन कुछ और था लेकिन अब इस पे फोटो सेट हो गया है। तो ध्यान रहे जब तक आपके पेन ड्राइव पे ये दोनों फाइल पड़ा हुआ है तब तक आपके पेन ड्राइव पे ये इमेज शो करेगा, लेकिन अगर आपके ये दोनों फाइल डिलीट हो गए तो उसके बाद आपके पेन ड्राइव पे ये इमेज शो नहीं करेगा। तो इसे आप अपने पेन ड्राइव पे हाइड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके इस फाइल को हिडन भी कर सकते हैं, यानी छुपा सकते हैं, यानी ये फाइल किसी को दिखाई नहीं देगा। तो अगर बाद में अगर आप इस फाइल्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है और यहाँ पर आपको हिडन आइटम पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों फाइल
यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने पेन ड्राइव पे अपनी फोटो को सेट कर सकते हो, जो कि देखने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है। उसके बाद आप इसी पेन ड्राइव को किसी भी दूसरे सिस्टम या फिर कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में जाके कनेक्ट करोगे, तो वहां पर आपको एक बोरिंग आइकन दिखाने की जगह पे वहां पर आपको पेन ड्राइव में आपका फोटो दिखाई देने लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा कूल है देखने में। और कोई भी अगर वो देखेगा तो कहेगा ये आपने कैसे करा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग को एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। यदि मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। और यदि आपको मुझसे पर्सनली चेक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, जिस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।